जब से बसपा मायावती ने अपने जन्मदिन पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से उनके इस फैसले को लेकर सियासतदानों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां इंडिया गठबंधन के घटक उनके फैसले से खुश नहीं हैं, वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपनी राय दे दी है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने कहा, हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है। हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से बोल सकते हैं, बीजेपी को क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, ये बीजेपी की रणनीति अपने आप तय कर लेगी। हम लोग तो तब भी लड़े थे जब ये 2017 में ये अलग अलग लड़े थे, 2014 में अलग अलग लड़े थे और 14 में तो दो लड़कों की जोड़ी लड़ी थी। 2019 में प्रदेश में एक महागठबंधन भी बनाया था तो बीजेपी 64 सीट पर जीत हासिल की थी। बसपा प्रमुख के अखिलेश को गिरगिट बुलाने के सवाल पर भी सीएम योगी ने अखिलेश को गेस्ट हाउस कांड याद दिला दिया। कहा, अखिलेश यादव गेस्ट हाउस कांड शायद भूल गए, आखिर मायावती के साथ किया तो उन्होंने ही था। ये स्मारकों की प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया जब वो 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, वो किसी से छुपा है क्या? ये बार बार कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बसपा के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप को ही बदलते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का दावा किया। सीएम ने बताया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। हम यूपी के 80 में से 80 सीटें लाने के पक्षधर हैं। बसपा सपा के गठबंधन में भी हम 64 सीटें जीते थे। राम मंदिर के उद्घाटन और लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने वैसे तो एक साथ कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो है मुख्यमंत्री का मायावती और अखिलेश पर दिया ये बयान, जिस पर सियासत तेज होते देर नहीं लगेगी।